अस्सलाम वालेकुम। महंगाई अभी शुरू नहीं हुई, महंगाई तो अब होगी। अगर पाकिस्तान में माशाल्लाह भी लगा दिया जाए तब भी महंगाई में कमी नहीं होगी। ये कुछ डेटा आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दुनिया में जो महंगाई हो रही है उसका असर अभी उस अंदाज में पाकिस्तान में नहीं आया, इसका असर अभी होना है। ये पोस्ट कोविड रिएक्शंस हैं जो दुनिया भर में चल रहे हैं और पाकिस्तान पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली महंगाई रेगुलर बेसिस के ऊपर आ रही है, लेकिन अभी ठीक ठाक वाली महंगाई पाकिस्तान में पहुंचनी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी असर पड़ना है, पाकिस्तान की इंपोर्ट और बढ़नी है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो है वो जितनी भी बेहतर कर ली जाए, जितनी ऑर्गेनाइज कर ली जाए, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जाहिर है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है और 2020 खेलती है, इसको टेस्ट मैच और वनडे का नहीं पता, डर के खौफ के अंदर डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और फंस रहा है। लेकिन इस वक्त जो मेरे दो तीन बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से बात हुई और जो अभी रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, महंगाई हमारे पास जो हो रही है, खाने पीने की अशिया जो कि बहुत कम बाहर से आ रही हैं, बाहर से बहुत आ रही हैं, दालें बाहर से आ रही हैं, घी बाहर से आ रहा है, चीनी और चावल और गंदम के सही अगर फैसला नहीं होते तो वो भी बाहर से आ रहे हैं। स्नैरियो ऐसा है कि अभी महंगाई पाकिस्तान में उस अंदाज में पहुंची नहीं है जिस अंदाज के अंदर शोर हो रहा है। बिजली के प्राइस फिर बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल के प्राइजेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइजेस और बढ़ेंगे। जो सूरत हाल है रीजनल और इंटरनेशनल, पाकिस्तान में पेट्रोल पर लीटर 170 रुपए तक जाएगा, डीजल पाकिस्तान में 170-180 तक जाएगा, गैस मिट्टी का तेल ये तमाम चीजें जाएंगी, कोल दुनिया भर में बहुत महंगा हो गया। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं उन माहिरीन को कोट नहीं करता, पाकिस्तानी और बाहर के जिन लोगों से रेगुलर तौर पर ये डेटा परेशान करने वाला डेटा है। वीलॉग करने का मकसद ये है कि आपके पास अगर 100 रुपए भी हैं तो फजूल खर्च न करें, 1000 रुपए हैं तो बिल्कुल भी मत सोचें। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, हम आप सारे पाकिस्तानी, कि वो अपने पास दबा के रखें, वो कराची वाले हों, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनको ज्यादा उनके ऊपर वजन आता है, उन्हें पानी भी खरीदना पड़ता है, उन्हें हर चीज खरीदनी पड़ती है। खैर उस वाले एंगल पे नहीं आता कि कराची वालों का बुरा हाल है, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बुरा हाल है और ज्यादा बुरा हाल होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है, दुनिया भर में जो ट्रांसपोर्टेशन का एक साइकिल था वो बुरी तरह डैमेज्ड है और उसकी उसकी रिपेयरिंग के अंदर कहा जा रहा है 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। अब ये कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिकली वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतालिक सप्लाई चेन थी सारी दुनिया के अंदर, वो कोविड की वजह से डैमेज हो गई, रुक गई, जहां पे कंटेनर्स थे वो फंस गए, वो कंटेनर्स नहीं निकल रहे। जिस कंटेनर का एक रेट, यानी कि कराची से अमेरिका भेजना या यूरोप भेजना या चाइना भेजना, उसका जो रेट था, फ्रेट था, वो $800,000 था, या उसमें 100-150 डॉलर अप एंड डाउन होता था, वो पहुंच गया है 12,000, 8,000, 15,000 डॉलर, जिसकी वजह से बहुत सारे जो चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं। यानी कि उसके अंदर जो मटेरियल जा रहा है उससे महंगा उसका किराया हो गया है, एक तो मामला ये है। दूसरा ये कि चाइना ने कोविड के अंदर बड़े पैमाने पर खरीदारी की है, वो वैसे यूजुअली जो भी खरीदारी करता है उसकी चीज कीमत बढ़ जाती है। लोहा खरीदना शुरू किया तो लोहे की कीमतें दुनिया में कहां पहुंचा दी, सीमेंट खरीदना किया कहां पहुंचा दी, अब सोना खरीदना शुरू किया तो कहां पहुंचा दी, लकड़ी खरीदना शुरू की तो उसने क्या किया कि दुनिया से कोविड जब उनके पास कोरोना आया और दुनिया के अंदर फैल रहा था, यूरोप के अंदर लोग मरना शुरू हुए थे और अमेरिका में मरना शुरू हुए थे और चाइना ने अपने अंदर एक एक नेटवर्क बना के अपने आप को बचाने की कोशिश की थी और पाकिस्तान में उस तरह से नहीं आया था, यानी कि बहुत सारे वेरिएंट थे, उस दौरान चाइना ने सारे दुनिया से खुराक खरीदना शुरू की। क्या कह रहा हूं मैं, खुराक ब्राजील से, वेनेजुएला से, बहुत सारे ममालिक से गोश्त खरीदा, वहां तो हलाल हराम का चक्कर नहीं है ना, जो गोश्त मिला वो लिया और उन्होंने तकरीबन 40,000 कंटेनर्स खरीद कर अपने पास रख लिए गोश्त के। 40,000 कंटेनर्स के अंदर गोश्त है चाइना ने खरीदा, कि पता नहीं कोविड में क्या हो, पिछली बार या 100 साल पहले वबा आई थी तो इतने लोग मर गए थे, खाने पीने को नहीं था, तो
ये वो जो चाइना की प्लानिंग, और चाइना की बहुत लंबी और बहुत डिटेल प्लानिंग होती है, उन्होंने दूध खरीदा, उन्होंने दालें खरीदी और वो कंटेनर छोड़े नहीं। वो कंटेनर मार्केट में तो एक लिमिटेड कंटेनर है ना, चंद कंट्रीज कंटेनर बनाते हैं, तो कंटेनर जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वैसे ही कोविड में ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी और सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन तो चाइना खुद ही करता है, तो उन्होंने अपने पास डंप कर लिया उन इलाकों के अंदर जहां पे ग्लेशियर्स हैं, जहां पे माइनस टेम्परेचर है, वहां पे उन्होंने पार्क कर दिए कंटेनर्स ताकि गोश्त खराब ना हो। अब जब कोविड के बाद दुनिया नॉर्मलाइज हुई है, तो दुनिया के नॉर्मलाइज होने के बाद सिनेरियो ये है कि सबको चीजें चाहिए, फैक्ट्रियां चलना शुरू हो गई, सबको बिजली चाहिए, सबको बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, फर्नेस ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, तो अचानक से सारी इंडस्ट्री को जब की रिक्वायरमेंट आई सारी दुनिया में, तो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला क्लैप्स कर गया, उस तरह से चीजें मुहैया, यानी कि सप्लाई चेन ही टूटी हुई है, तो कीमतें बढ़ गई हैं। आपको याद है कोविड के अंदर पेट्रोल की पर बैरल कीमत इन डॉलर जीरो पे आ गई थी, फिर माइनस में आ गई थी, पैदावार हो रही थी, इतनी पैदावार थी खरीदने वाला कोई नहीं था, उन्होंने कहा मुफ्त में उठाओ क्योंकि ये तो आ रहा है, ये तो उठाओ अब ले जाएं, लेकिन हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं थी पाकिस्तान के पास कि वो लेके रखें कहां पे, हमारे पास तो स्टोरेज ही नहीं था। उसके बाद क्या उन्होंने अपनी कोविड के अंदर सारी चीजें बंद करना शुरू की, बंद की, बंद किया, वो चीजें बंद हैं, कोयला निकलना बंद है, ऑयल निकलना बंद है, जो चीजें बंद है, और मार्केट जब खुली तो उसको कोयला भी चाहिए, उसे गैस भी चाहिए, उसे फ्यूल भी चाहिए, उसे पेट्रोल वेट्रोल सारी चीजें चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से चीजों की क्या हुआ, कमी वाकई हो गई है और चीजें महंगी हो रही हैं और महंगी होती जा रही हैं और भी महंगी होंगी। अब पाकिस्तान में सिनेरियो ये है कि पिछले 48 घंटों में जो महंगाई हुई है वो 3 साल के अंदर इमरान खान के दौर के अंदर नहीं हुई, जो अभी 48-72 घंटे में महंगाई हुई है वो महंगाई 72 घंटों में जो हुई है वो 3 सालों के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई, और महंगाई ने अब जंप मारनी है, ये इमरान खान नहीं रोक पाएगा, ये मोदी नहीं रोक पाएगा, ये बाइडन नहीं रोक पाएगा, ये दुनिया का कोई भी सरबराह नहीं रोक पाएगा महंगाई जिस सतह पे हो रही है, जिस सतह के ऊपर फ्यूल के प्राइसेस जा रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, तब तक अपने वसाइल को पकड़ के रखना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। चीनी भी महंगी होगी, चावल भी महंगे होंगे, आटा भी महंगा होगा, गोश्त भी महंगा होगा, अंडे भी महंगे होंगे, जो पाकिस्तान में बन रहा है वो भी महंगे होंगे, इसलिए महंगे होंगे कि डीजल और पेट्रोल के प्राइजेस और बिजली के प्राइजेस इन्होंने ऊपर जाने, एक तो IMF का नया प्रेशर है, लेकिन इसके अलावा, इस प्रेशर के अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल लोकल प्रेशर्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में महंगी नहीं है। मैं केले देख रहा था, अभी मैं लाहौर था, फैसलाबाद था और शहरों के अंदर पिछले दिनों था, तो वहां पे सिनेरियो बहुत सस्ती चीजें अवेलेबल थी, तो कराची में बहुत सस्ती चीजें अवेलेबल हैं, इस्लामाबाद में चीजें सस्ती, फ्रूट खास तौर पे आपको 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए आपको केला मिल रहा है, 100 रुपए, 150-200 रुपए आपको अनार पर केजी मिल रहा है, दुनिया के अंदर ऐसी चीजें नहीं। लेकिन बहरहाल महंगाई के लिए तैयार हैं, बिजली और महंगी होनी है, फ्यूल और महंगा होना है, डीजल और महंगा होना है, खाने का तेल और महंगा होना है, एक दिन के अंदर 10 किलो का जो ऑयल का डब्बा है उसके ऊपर 1100-1200 रेट बढ़ गए हैं, आटे की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको रोकने वाला, वैसे ही हमारे पास गवर्नेंस मैनेजमेंट नहीं है, हुकूमत कुछ नहीं कर पाती, उसके पास सलाहियत ही नहीं है कुछ करने का, डिलीवर करने का वो ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है वो समझा ही नहीं पाती कि काम कैसे करना है, उनको ब्यूरोक्रेसी को काम करना भी नहीं आता, अभी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को निकलना भी है, निकाल नैब के ऑर्डिनेंस के बाद उनकी नौकरियां भी फारिग होनी है, तो एक लंबा क्राइसिस आएगा। लेकिन आज का इस वीलॉग का मकसद ये है कि मिडिल क्लास हों, लोअर मिडिल क्लास हों, अपर मिडिल क्लास हों, जिनके पास हर महीने पैसे आते हैं, वो कारोबार से आते हैं, सैलरी से आते हैं, उनको पैसे दांतों से दबा के रखने हैं, बहुत ही लिमिटेड सिनेरियो के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। महंगाई दुनिया के अंदर इस महंगाई से कोहराम मचेंगे, उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में भी आएगा। इस वक्त जो ऑयल की कीमतें हैं हमारे हमसाए ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, और कोयले की जो प्राइजेस हैं वो, चाइना ने ऐलान किया है 3 दिन तक इंडस्ट्री को बिजली नहीं देंगे, चाइना में ये 40 साल के बाद हो रहा है, उनके पास बिजली नहीं है, 3 दिन के लिए इंडस्ट्री को बिजली नहीं देंगे। यहाँ पे गैस के लिए इंडस्ट्री वाले शोर मचा रहे हैं, गैस नहीं है, पूरा 1 साल अब गैस नहीं होगी, बड़ा लोड शेडिंग गैस की आने वाली है। इसी तरह से जर्मनी के अंदर भी सिनेरियो, इस यूरोप के अंदर भी सिनेरियो, बिजली नहीं है, क्यों नहीं है,
चीज़ें जो उनको चाहिए, कोयला जो उन्हें चाहिए, ऑयल जो उन्हें चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं है, वो मार्केट से सप्लाई नहीं हो रहा, कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है, सप्लाई चेन टूटी हुई है दुनिया की। दुनिया की टूटी हुई सप्लाई चेन की वजह से महंगाई मल्टीप्लाई हो रही है और होगी। अभी महंगाई नहीं हुई है जितनी होनी है, अभी महंगाई होगी। अपने वसाइल को दांतों से दबा के रखें। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।